फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरा नाम स्नेहा है और मैं एक अबेकस टीचर हूँ और मेरे इस वीडियो के सीरीज में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फिंगर अबेकस मल्टीप्लिकेशन। यस फ्रेंड्स, इस वीडियो में और इसके कंप्लीट सीरीज में मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से हम बड़े बड़े नंबरों का मल्टीप्लिकेशन बिना पेन और पेपर के सिर्फ अपने इन फिंगर्स में कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कोई ट्रिक नहीं है जो आप सिर्फ एक वीडियो देख के सीख जाएंगे। ये एक कंप्लीट कोर्स है और इसका कंप्लीट कोर्स का मैं पूरा सीरीज लेकर के आने वाली हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अबेकस का कोर्स करके बड़े बड़े नंबर का कैलकुलेशन माइंड में ही विदिन सेकेंड्स कर पाए, या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कोडिंग सीखकर बचपन में ही गेम डेवलपर बने, तो हमारे इंस्टीट्यूट एवा एकेडमी में फ्री डेमो क्लास जरूर बुक कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेशन का ये फर्स्ट क्लास है, तो आज हम सबसे पहले सीखने वाले हैं नंबर रिप्रेजेंटेशन, कि किस तरीके से हम अपने फिंगर्स में नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रेंड्स, नंबर रिप्रेजेंटेशन में हम सबसे पहले सीखने वाले हैं 1 डिजिट एंड 2 डिजिट। फ्रेंड्स, जो 1 डिजिट नंबर होते हैं वो हम अपने राइट हैंड में रिप्रेजेंट करते हैं और जो 2 डिजिट नंबर होते हैं वो हम अपने लेफ्ट हैंड में रिप्रेजेंट करते हैं। राइट हैंड में हम 1 से लेके 9 तक नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारा ये फिंगर इस तरीके से है, हमारी मुट्ठी बनी हुई है, दैट मीन्स इट इज 0। ठीक है, अगर हमें 1 बनाना है तो 1 2 3 4। थंब की वैल्यू 5 होती है। फ्रेंड्स, थंब को हम 5 मानते हैं, तो अगर हमें 1 बनाना है इस तरीके से 2 3 4। अगर हमें 5 बनाना है तो हम थंब ओपन करेंगे, दिस इज 5। और अगर हमें 6 बनाना है, 5 + 1 6 7 5 6 7 8 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9। ओके, तो हमने 0 से 9 तक इस हैंड में, राइट हैंड में रिप्रेजेंट किया। अब हम सीखते हैं 2 डिजिट। टेंस प्लेस, ये हमारा टेंस प्लेस होता है फ्रेंड्स, लेफ्ट हैंड। इसमें हम 2 डिजिट नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये हमारी मुट्ठी क्लोज है, दैट मीन्स टेंस प्लेस में 0 है। ठीक है, दिस इज 10 20 30 40। थंब को हम 50 की वैल्यू देते हैं, 50 मानते हैं। ठीक है, 50। अगर हमें 60 बनाना है, 50 60 70 50 60 70 80 50 60 70 80 90। ओके, तो अभी हम स्टार्टिंग में 99 तक का कैलकुलेशन सीखेंगे, उसके बाद हम उससे बड़े बड़े नंबर भी सीखेंगे। तो सबसे पहले अब मैं आपको रिपीट करा देती हूँ फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99। अभी हम कुछ वीडियोस तक 99 का कैलकुलेशन सीखेंगे, उसके बाद हम 100s और 1000s का कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। तो अब हम सीखते हैं सिंपल कैलकुलेशन, जिसमें हमारा कैरी बोरो वाली चीजें नहीं होती। आज हम वो वाले कैलकुलेशन सीखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को फॉर्मूला सिखाऊंगी। तो सिंपल कैलकुलेशन के लिए हमें सबसे पहले तो 9 तक की टेबल लर्न होनी चाहिए। फ्रेंड्स, 9 के बाद अगर आपको कोई भी टेबल लर्न नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमें 9 तक की टेबल लर्न होनी चाहिए। ओके, 33 × 3। ठीक है, ये हमारा वंस प्लेस है, ये हमारा टेंस प्लेस है। ठीक है, जब हम वंस प्लेस को कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको वंस प्लेस में रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम टेंस प्लेस को कैलकुलेट करते हैं तो हम टेंस प्लेस में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, 3 3s are 9, तो हमें वंस प्लेस में 9 बनाना है, 5 6 7 8 9। ओके, नाउ 3 3s are 9, तो ये टेंस प्लेस है, दिस इज टेंस प्लेस, तो हमें लेफ्ट हैंड में रिप्रेजेंट करना है 50 60 70 80 90। अब हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हम टेंस को पहले बोलेंगे, वंस को बाद में, क्योंकि जब हम लिखते हैं तब हम टेंस और वंस में लिखते हैं, तो पहले हम टेंस का नंबर लिखते हैं। तो आंसर इज 99। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 × 3। 3 1s are 3, ये वंस प्लेस है तो हम वंस प्लेस में रिप्रेजेंट करेंगे। 3 2 6, ये टेंस प्लेस है तो हम टेंस प्लेस में रिप्रेजेंट करेंगे। 50 60, 5 6, अंडरस्टूड? सो द आंसर इज 63. नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 into 2, 2 2s are 4, ये वंस प्लेस है तो हम वंस प्लेस में रिप्रेजेंट करेंगे 4। 2 4s are 8, 2 4s are 8, तो 8 हम टेंस प्लेस में रिप्रेजेंट करेंगे। 5 6 7 8, अब हम आंसर बताते हैं 84, अंडरस्टूड? नेक्स्ट, 6 0s are 0, ये वंस प्लेस है तो हम वंस प्लेस में रिप्रेजेंट करेंगे। 6 1s are 6, 5 6, ये हम टेंस प्लेस में रिप्रेजेंट करेंगे। आंसर इज 6060। नेक्स्ट, 5 1s are 5, ये वंस प्लेस है तो हम वंस प्लेस में रिप्रेजेंट करेंगे। अगेन 5 1s are 5, ये टेंस प्लेस है तो हम टेंस प्लेस पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम आंसर बताएंगे 55. ओके, नेक्स्ट, 21 into 4, 4 1s are 4, ये वंस प्लेस है तो हम वंस प्लेस में रिप्रेजेंट करेंगे। 4 2s are 8, 5 6 7 8, तो ये हम टेंस प्लेस पे रिप्रेजेंट करेंगे। आंसर 84, आंसर इज 84. ओके, तो चलिए अब हम अपने मास्टरमाइंड कृतिका के साथ ये सेम क्वेश्चंस फास्ट मोड में रिपीट करते हैं, देखते हैं आपको कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं। तो चलिए हमारी मास्टरमाइंड कृतिका को बुलाते हैं। कृतिका, प्लीज कम। हाय। ओके, रेडी कृतिका? यस, आई एम रेडी। ओके, 33 into 3, 3 3s are 9, 3 3s are 9. Answer is 99. Very good. Next, 21 into 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6. Answer is 63. Very good. Next, 42 into 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8. Answer is 84. Very good. Next, 10 into 6, 6 0s are 0, 6 1s are 6. Answer is 60. Next, 11 into 5, 5 1s are 5, 5 1s are 5. Answer is 55. Next, 21 into 4, 4 1s are 4, 4 2s are 8. Answer is 84. Very good, Kritika. Good job. Friends, आप भी अपने बच्चों को सीख करके सिखा सकते हैं। ये बहुत easy method है। अगर आपको एक्चुअली में अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूला। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो, स्टे